आपको आपके 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए भाई, क्या बात है, इतने ढीले पड़े हैं हमारे व्यापारी भाई, तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए। मैं क्षमा भी मांगता हूँ विलंब से आने के, क्योंकि जैसे ही आया तो आपने कहा कि बहुत इंतजार करा रहे हैं। लोग कहते हैं मौत से बदतर, हमने सारी गुजारी लेकिन देर हुई है, बात सही है, और वो मेरे कारण से नहीं। यहाँ तो आपने मेरी गुजारिश सुन ली कि मुझे जल्दी बुलवा दीजिए, आगे भी जाना, नहीं सुनते तो मैं क्या बिगाड़ देता। और जब आप छोड़ते तभी जा पाता, तो आगे वाले यही उदाहरण देते जो भाई साहब, इसके लिए माफी है। क्योंकि पहले तो हफ्ते में 7 दिन नहीं 8 दिन तक रहता था मैं यहाँ पर, 8 दिन का मतलब ओवर टाइम करता था जनता के बीच में। अब बड़ी जिम्मेदारी आप लोग कृपा से मिली है, आशीर्वाद से मिला है, शुभकामनाओं से मिली है, तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो यहाँ समय कम दे पाता हूँ, और जब देता हूँ तो फिर भीड़ भी बहुत है, जिसको ना सुनो वो लाना देगा, इसलिए देर होती है। कुछ तो मजबूरियां लगी होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं, तो मजबूरी थी इसलिए देर हुई, तो भी माफी मांगता हूँ आप सबसे। मित्रों, आपकी कुछ बातें सुनी मैंने, कुछ आपकी पीड़ा सुनी, सरकार के लिए उजाले भी सुने, धमकी भी सुनी। क्या नाम भाई साहब आपका? शेर साहब धमकी भी दे रहे हैं, और लोकतंत्र में लोग की सबसे बड़ी धमकी होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, राजतंत्र की नहीं है, किसी और कुलीन तंत्र की, तानाशाही के तंत्र की इसकी नहीं है, यह व्यवस्था या और इस भ्रष्टाचार से भी लिप्त लोगों से आपका पाला भी पड़ता है। मेरे नेता मोदी और योगी की सरकार जब चलाई है, सुरक्षा का वातावरण प्रदेश में और देश में बना है, और व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। व्यापार करता है अपने फूल पसीने की कमाई से, जो लेके चलता है वो बदमाशों के लिए नहीं, चोरों के या फिरौती करने वालों के लिए नहीं होता, वो अपने बच्चों के लिए, देश के निर्माण के लिए होता। लेकिन वो आपके हक में डाका डालते थे, वो सरकारें भी थी, और सरकारों को ऐसे तत्वों को संरक्षण करने वाले परिवारवादी लोग भी थे, तो कम से कम बुलाना हम सुनने को तैयार है, सुनना चाहते भी है, हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ प्रशंसा के शब्द भी सुनना चाहते हैं, तो नेताओं के प्रयास से प्रदेश में बने सुरक्षा का वातावरण बना। एक किस्सा सुनाऊं आपको, आप सब कई लोग जानते होंगे, यहाँ सिराज भाई को पत्रकार हैं बहुत बड़े, उनका बेटा समीर राष्ट्रीय सहारा में है, वो चुनाव से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, सहारा वालों ने एक सर्वे कराया पब्लिक, हर वर्ग में, हर वर्ग के आदमी पुरुष से, यानी हर जाति के, या 3 ऑप्शन थे मुख्यमंत्री के रूप में, मायावती जी, अखिलेश जी और योगी जी। तो उसने कहा मुझसे, कई लोग जानते होंगे समीर को, पूछ सकते जो मैं बात कर रहा हूं, कि मैंने देखा कि मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने
25% महिलाओं का योगी आदित्यनाथ परीक्षा लगा। तो बोला कि मैंने सोचा यार ये कैसे, वो भी मुसलमान है। तो बोला मैंने पलट के अपनी पत्नी का पर्चा देखा कि उसने क्या निशान लगाया, उसने भी योगी आदित्यनाथ परीक्षा लगाया। फिर उसने पूछा अपनी पत्नी से, जो मैं बोल रहा हूं उसने मुझे सुनाया, मैं आपको सुना रहा हूं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या किया है तुमने, क्या तुम तीन तलाक की बात चक्कर में परेशान हो इसलिए, वो हिफाजत दी है मोदी ने इसलिए। बोलिए तीन तलाक सियासत।